मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र अंतर्गत जबियाचुर गांव में जमीन को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में बंदूकों से गोलीबारी की गई, जिसमें एक दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। वहीं घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सुरवाया थाना पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि डबियाचुर गांव में कुछ आदिवासियों की वन भूमि की जमीन पर जागती गांव के करीब दो दर्जन दबंग लोग कब्जा करने आए थे, जो आदिवासियों से मारपीट कर रहे थे। पास ही जानवर चरा रहे किनवाया गांव के कुछ लोग आदिवासियों को बचाने आए, तभी दबंगों द्वारा उन लोगों पर भी हमला कर दिया गया और बंदूकों कट्टों से गोलीबारी की गई, जिसमें कुछ आदिवासियों सहित बचाने आए किनवाया के लोग घायल हो गए। इस हमले में चार लोगों को कारतूस से निकले छर्रे लगे, जबकि कुल एक दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में जारी है। माँ कनगुर्जर केनवा से बोल रहा हूँ, केनवा से बोल रहा हूँ सर। घटना थी, मान लो चुर रहे हों जागी, आदिवासियों की जमीन थी, जागती चुर वाले आदमी उन पे अटैक कर रहे थे, मारवा पिट्टी गोली चला रहे थे। हम मान लो बड़े रिहाई में थे और हम बचाने गए, तो हम हमारे ऊपर हावी होकर लट गोली चला डाली साहब मारने के लिए। 30-35 लोग थे सर। वे लोग 30-35 थे, चार आदमी थे, 10 आदमी हम घायल थे, 10 आदमी घायल। हथियार थे, बंदूकें थी, लट थे, कुल्हाड़ी थी। हाँ साहब, किस कारण से? जमीन आदिवासियों की जमीन थी, 35 साल से करते चले आ रहे थे, कभी कर लेते कभी मान लो नहीं कर पाते, मजबूरी का आदिवासी तो गरीब होता है, तो इनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, इन्हें मारा पिट्टी कर रहे थे। हमारे गांव में आए, हम बड़े दिया आते, हमने बीच बचारो देखा तो हमें मारने लगे, गोली चला गई सर। कोई नहीं पहुंचे सब, हमें मुश्किल से बचाना है, और मुश्किल से जो कहीं पुलिस काक रहेगी गोली देंगे तुम, और पुलिस काक रहेगी। ये क्या मामला आया, क्या संघर्ष हुआ? ये ग्राम सुरवा थाना क्षेत्र में ग्राम चुर पड़ता है, चुर और केनवाय के बीच में सिंध नदी किनारे पे फॉरेस्ट की करीब 350 बीघा जमीन है, जिसपे ये अवैध रूप से कब्जा करके और ये खेती कर रहे हैं। उसी के विवाद के ऊपर से आज जो है दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। इसमें एक आदिवासी के गोली लगी है, एक जो है गुजर के भी लगी है, और जो है दोनों पक्षों के जो है गंभीर चोटें हैं, और दोनों तरफ से जो है अपराध पंजीकृत करके अनुसंधान में। एक पार्टी के 10 लोग घायल हैं और एक पार्टी के 4 लोग घायल हैं। हाँ, आदिवासी भी उस जमीन में हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनमें उनसे जमीन चुराने की कोशिश की गई थी। हाँ, वो एक दूसरे से जमीन चुराने का कोशिश कर रहे हैं, वो उनका आरोप यह है कि हमारी जमीन में घुस रहे हैं, उनका आरोप यह है कि हमारी जमीन में। अब बंदूकों के बारे में तो अब अनुसंधान में समझ में आएगा। गोली जैसा है घाव, अब MLC कराई गई है और जो MLC रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें हाँ गंभीर घायल है। उस पार्टी का एक हरवीर गुर्जर है, वो गंभीर रूप से घायल है, उसके सिर में गंभीर चोटें हैं, और एक पार्टी का जो है रामवीर गुर्जर और एक आदिवासी के जो है गोली लगी है, गोली जैसी चोट है, तो वो दोनों गंभीर रूप से।